प्रेम निशिगंधा। निशिगंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ। बहुत ही खूबसूरत है, लिफाफे के लिए लेकिन पते की भी जरूरत है।
सोचा है कि कोई भी चीज जो हमसे खो जाती है इसके बाद ही उसकी वैल्यू क्यों पता चलती है, या फिर खोने के बाद ही हमें उसकी अहमियत क्यों समझ आती है? नहीं, मैं किसी चीज की बात कर रही हूं। मुझे पता है कि ये सुनने के बाद आपके जहन में किसी का चेहरा आया होगा, है ना? पर मैं अभी किसी चीज की बात कर रही हूं। इसी ख्याल के आसपास कुछ बात करें, क्या कहते हैं आप? मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं, तो चलिए फिर। जब कोई चीज हमसे खो जाती है तभी उसकी सुंदरता का, उसकी मूल का कहीं ना कहीं हमें पता चलता है। वो चीज जितनी हमें पसंद थी उससे ज्यादा अच्छी लगने लग जाती है, उससे ज्यादा कीमती लगने लग जाती है, क्योंकि वो चीज जब तक हमारे पास थी तब तक हम साइकोलॉजिकली फ्री थे और ऐसा सोच रहे थे कि ये हम हमेशा ही कहीं ना कहीं हमारे पास रहेगी। पर जैसे ही कोई चीज हमसे खो जाती है, हमसे दूर हो जाती है, तो उसमें अफसोस का हल्का सा दाग लग जाता है और वो दूर बैठे उस चांद की तरह ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। पर आपको पता है, पूरे संसार में एक ही ऐसी चीज है जिस पर ये नियम लागू नहीं होता। कौन सी है वो चीज? और वो चीज है हम खुद। जब हम खुद को गंवा देते हैं तो ये मोल बढ़ता नहीं है, वो खूबसूरती नहीं बढ़ती। हमारा मोल तब बढ़ता है जब हम अपने आप को खोने के बाद वापस पाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम कितने खूबसूरत हैं, कितने सुंदर हैं। आप हैं मंजू के साथ और ये है निशिगंधा। गाने के उस पार आप ही से बहुत सारी बातें। सर्दी से डर कैसा,
संग गर्म जवानी से रास्ता तो क्या जिंदगी कट जाती है। अच्छा मैं क्या सोच रही थी, कोई भी रिश्ता बेहतर तरीके से कैसे चलता है या फिर कैसे चलाया जाए जिसमें मैं और तुम वाला रिश्ता नहीं बल्कि हम वाला रिश्ता हो, एक दूसरे के बारे में सोचने वाला रिश्ता हो। कभी कभार मैं तुम्हें संभालूं या तुम मुझे, कुछ इस तरह। और ऐसा करते करते हम आगे बढ़े, ऐसा रिश्ता बहुत आसानी से आगे बढ़ता है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं थॉटफुलनेस होती है, उस इंसान के बारे में सोचने की बात होती है। और इसी बात को अगर मैं कविता में कहूँ या अल्फाज शब्दों में पिरो कर कहा जाए तो क्या होगा, मैं और तुम करते थे, मैं और तुम करते थे, आज हम हुए हैं। इस हम को संभाल कर रखना, आज हम हुए हैं, इस हम को संभाल कर रखना, बड़ी मुश्किल से हम हुए हैं।
मैं और तुम करते थे। ये पता है मुझे क्या याद करवा रहा है? जब दो लोगों के बीच में अनबन होती है, झगड़ा होता है, और एक लंबे वक्त के बाद, झगड़े के बाद कहीं ना कहीं जब सुलह होती है, तो वो जो खुशी होती है वो जाहिर होती है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रिश्ता अपनी सच्चाई पर आगे बढ़ता है, अपनी एक दूसरे की अच्छाई पर आगे बढ़ता है। क्या कहते हैं आप? मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं। गाना सुनवा दे, गाने के उस पार आप ही से बहुत सारी बातें। जग छोड़ा है तेरे प्यार में सनम, जग छोड़ा है तेरे प्यार में सनम, तेरी आंखों की कसम, तेरे बालों की कसम, तेरे गालों की कसम ओ सनम, जग छोड़ा है तेरे प्यार में सनम। चले दो दीवाने, हम न सुनेंगे किसी की, कोई आए ना हमें समझाने, अपनी धुन में चलते रहे, पीछे हटे ना अपना कदम, दिल तेरा है मैं भी तेरी हूँ सनम, जग सनम। क्या करते हो? क्या कर रहा हूँ? भैया छोड़ो ना। क्यों छोड़ू? प्लीज समझो ना। क्या समझू? वो लोग देख रहे हैं। अरे तो देखने दो, और जलेंगे। अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ? आओ ना। नो छोड़ा है तेरे प्यार में सनम। इतनी खबर बोली सुख सौदा साकी घोड़ी, सुलभ सुंदर जोड़ी जब तू तम पत्ता तोड़ी, कितनी सुहानी फिजा है, आती जाती छेड़ती हवा है, ऐसा मिलन तो किसी से
का खोगन कभी ना हुआ है। मिलने वाले मिल के रहेंगे कर ले दुनिया रात सितम। जग छोड़ा है तेरे प्यार में सनम, जग छोड़ा है तेरे प्यार में सनम। तेरी आंखों की कसम, तेरे बालों की कसम, तेरे गालों की कसम ओ सनम। दिल तेरा है मैं भी तेरी हूँ सनम, ओ दिल तेरा है मैं भी तेरी हूँ सनम। सुरीला सा एक सफर है एफएम गोल्ड, सुरीली सी एक डगर है एफएम गोल्ड। शाम शहर हम सफर है एफएम गोल्ड, राहों में रह गुजर है एफएम गोल्ड। आकाशवाणी एफएम गोल्ड, आकाशवाणी एफएम गोल्ड, आकाशवाणी एफएम गोल्ड, एफएम रात के दामन में सितारे बहुत हैं। रात के दामन में सितारे बहुत हैं, आँखों को जंचने वाले नज़ारे बहुत हैं। कितना हंसते हैं खिलखिलाते हैं कुछ चेहरे, कितना हंसते हैं खिलखिलाते हैं कुछ चेहरे। वो अपनी ज़िंदगी में हारे बहुत हैं, हर किसी को नहीं है इंतज़ार सुबह का। यहाँ अंधेरों के दुलारे बहुत हैं, खुदा भी साथ दे तो किस बेचारे का दे आखिर, खुदा भी साथ दे तो किस बेचारे का दे आखिर। इस दुनिया में देखो बेचारे बहुत हैं, रात के दामन में सितारे बहुत हैं, आँखों को जचने वाले नज़ारे बहुत हैं। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आप ही की आवाज मंजू। वक्त हुआ है 12:36:52 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम निशिगंधा।
वादे तो टूटते रहते हैं, पर एक बात बताइए, आपको टूटना पसंद है? टूटना, बिखरना, दुखी होना, ये सब आपको पसंद है? आप सोच रहे होंगे कि मैं भी आज क्या बात लेकर बैठ गई। ऐसा कौन पूछता है? जिसको पसंद है, किसको पसंद है टूटना या फिर बिखरना? पर होता है, कुछ लोगों को होता है ये पसंद, जिन्हें दुख का रोग लग जाता है, वो आदि हो जाते हैं दुख की, और वो फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ऐसे लोग ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कहीं ना कहीं, जिसमें जिंदगी में उन्हें पेन मिले, तकलीफ मिले। पर कभी कभी इसके पीछे ना, मुझे ऐसा लगता है कि कारण होता है। दुख मिलने का, आपके टूटने का एक कारण होता है, एक कहीं ना कहीं रीजन होता है जिसके चलते आपको वो दुख मिलता है। इसके बारे में बात करें, मेरी टूटने की वजह मेरी जौहरी से पूछो, मेरी टूटने की वजह मेरी जौहरी से पूछो, उसकी ख्वाहिश थी कि मुझे थोड़ा और तराशा जाए। अगर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे आ रहे हैं जो हमें डिफिकल्टीज में डाल रहे हैं, हमें मुश्किल हालातों में डाल रहे हैं, तो ठीक है, ये जिंदगी है, शायद इसमें ऐसा ही होता है या फिर ऐसा ही लिखा होगा। पर जब आप इस फेस से, इस दौर से बाहर आओगे या आते हैं, तब आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज होगा कि आप अपने आप का एक बेहतर वर्जन देखेंगे। और तभी होगा जब उस दुख में रहने के बजाय कहीं ना कहीं आप उससे बाहर आने का ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। दिक्कत पता है कहाँ होती है और क्या होती है? ज्यादातर लोग इस बारे में सोचते ही नहीं है। हाँ, वो बस दुखी रहते हैं। हमें दुख को व्यक्त तो करना है, उसको एक्सप्रेस तो करना है, पर उससे बाहर भी निकलना है, क्योंकि आपका काम आगे बढ़ना है, चमकना है, सिर्फ टूटना और बिखरना नहीं है, तराशना भी है। आप हैं मंजू के साथ और ये है निशिगंधा, और आपको तो मालूम ही है मेरे साथ जुड़ने का मतलब है दिल से दिल तक जुड़ना। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, जब चूमता है सागर को, ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को, प्यार से खसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा लल जाए, कोई तो आ
ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। तपती किरने जब गालों को छू जाए, ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरने जब गालों को छू जाए, सांसों की गर्मी को हाथों की नरमी को मेरा मन तरसाए, कोई तो छू जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। रंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए, छम छम करता सावन बूंदों के बाण चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए, प्यार में नहाने को डूब ही जाने को, दिल मेरा तड़पाए, ख्वाब जगा जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ला 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 ला।
ये वादा रहा। तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूं वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। कहती है जिंदगी मुझे मैं ये आदत बदल लूं, कहती है जिंदगी मुझे मैं ये आदत बदल लूं, बहुत चल लिया दूसरों के पीछे अब जरा खुद के साथ चल लूं। उनसे क्या मिलना जो बार बार परखते हैं मुझे, उनसे क्या मिलना जो बार बार परखते हैं मुझे, चाहती हूं कि एक बार जरा खुद से भी मिल लूं। कहती है जिंदगी मुझे मैं ये आदत बदल लूं, बहुत चल लिया दूसरों के पीछे अब जरा खुद के साथ चल लूं। बदल लो ना, क्यों लोगों के पीछे भागते हो जो दूसरों के, जो किसी और के पीछे भाग रहे हैं, या फिर जिन्हें आपको भगाना अच्छा लगता है। खुद के पीछे भागो, खुद को पाने की दौड़ में भागो, क्योंकि जो दूसरों के पीछे भागते हैं, भागने की कोशिश में रहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो पाने की नहीं गंवाने की दौड़ होती है खुद को। निशिगंधा में आज के लिए इतना ही। अब से थोड़ी ही देर में होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम